खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, खबर बीकानेर से है। बीकानेर में कोरोना से महिला की मौत के बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। एडीएम सिटी सुनीता चौधरी, आरएएस अधिकारी शैलेन देवड़ा और एएसपी सिटी लगातार मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। एडीएम सिटी का कमरा वॉर रूम बना हुआ है। तीनों अधिकारियों से बात की है संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। देखिए, बीकानेर में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हुई है, उसके बाद से ही प्रशासन जो है और ज़्यादा सख्ती बरतने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने सुबह संकेत दिए थे कि ये बेहद ज़रूरी है कि अब कर्फ्यू उन इलाकों में बढ़ा दिया जाए। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है, वो कर्फ्यू वहाँ पर इम्पोज होगा। आप देख सकते हैं एडीएम सिटी का जो कमरा है, ये वॉर रूम बना हुआ है। यहाँ पर स्पेशल तौर पर लगाए गए आरएएस सरेंद्र देवड़ा, एडिशनल एसपी सिटी पवन मीणा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम एडीएम सिटी से बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि अभी जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो कितना असर है, क्या उनके पास अपडेट, मैम क्या कहेंगे, क्योंकि अब जरूरी है कि थोड़ी सख्ती बरती जाए लोगों के सुरक्षा के लिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। हम प्रयास कर रहे हैं, सभी हमारी टीम, सभी पुलिस ऑफिसर्स और जो बाहर से आए शैलेंद्र जी, हम सब यही प्रयास कर रहे हैं कि जो हमने कल सख्ती की थी उसको बरकरार रखें। और अब हम बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हम किस किस एरिया में इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे लोगों को हम और सेव कर सकें। देखिए, जैसे कि आपको पता है कल सुबह दो पॉजिटिव आए थे और कल शाम को या देर रात एक जो महिला जो उनका पॉजिटिव आया, उसके बाद में दोबारा हमको सोचना पड़ रहा है। और कर्फ्यू का जो एरिया है वो उसी के लिए हम लोग बैठे हैं और तैयारी करें किस तरह से कर्फ्यू का जो एरिया बढ़ाया भी जाए और आमजन इसमें ज़्यादा परेशान भी नहीं हो, उसी के लिए काम करते हैं और इसी पे जल्दी कोई फैसला करें। देखिए बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी भी है कि इस पर एक्सरसाइज हो। देखिए, सरेंद्र देवड़ा है जिन्हें खास तौर पर जयपुर से भेजा गया है, आरएएस अफसर जिनको सेवाएं दी थी कलेक्टर को, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपकी मॉनिटरिंग में क्या कर रहे हैं आप, क्या राशन पूरा पहुँच रहा है? अभी हम शहर के अंदरूनी हिस्सों में थे, ये बात आ रही है कि जो अकलियत के मोहल्ले हैं वहाँ राशन की थोड़ी दिक्कत है। एक दिक्कत ये भी आ रही है कि पीबीएम में जो स्क्रीनिंग हो रही है वहाँ बहुत भीड़ है। ऐसा है, विशेष तौर से कलेक्टर साहब ने मुझे निर्देश दिए हैं कि राशन की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर हो, तो हमने कल भी कवायद की है और मैं उम्मीद करता हूँ, हमारी टीमें लगी हुई है फील्ड में, आज शाम तक हम लगभग काम पूरा कर लेंगे और ड्राई राशन लोगों तक पहुँचाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं ताकि फूड पैकेट्स पर हमारी निर्भरता कम हो और जो सामूहिक एक जगह भोजन बनता है पैकेट में बन के जा रहा है वो व्यवस्था कम से कम हो, लोग अपने स्तर पे घर पे बनाए और पकाए, वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, ज़्यादा आइसोलेशन की स्थिति डेवलप होगी उससे, उस पर हमारी कवायद चल रही है। तो हमारी प्रभारी अधिकारी हैं इसमें मिसेज रचना भाटिया, वो उसमें अपनी टीम तैयार कर रही हैं और वो अपनी ट्रैकिंग सिस्टम को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए सारे घरों घरों की सर्वे जो भी उन्होंने प्लानिंग की है उसके हिसाब से वो कर रही है, क्योंकि ये कल एकदम नया केस आया था और हो सकता है हमारी जो लिस्ट आई हुई है बाहर जयपुर से उसमें इसका नाम हो, बट ये ज़रूर आप जो कह रहे हैं ये बात रही होगी। दरअसल अभी तक जो काम हो रहा था वो शांतिकाल योद्धा थे, अब जब पॉजिटिव आ गए और उसके बाद डेथ हो गई, तो आप समझिए बीकानेर भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो गया है। बीकानेर के लिए भी, भीलवाड़ा को सबने देखा, बीकानेर में भी इसी तरह इस मॉडल पर काम हो। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। अब स्वास्थ्य मंत्री